बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें जो कि देहरादून से मिल रही है। आपको बता दें बीजेपी के विधायक महेश नेगी का धरना प्रदर्शन। जी हां, पीडब्ल्यू के दफ्तर में धरने पर बैठे हैं महेश नेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है महेश नेगी की तरफ से। पीडब्ल्यू के ऑफिस के बाहर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महेश नेगी बीजेपी के विधायक और ऐसे में फिलहाल पीडब्ल्यू के दफ्तर के बाहर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां बता दें आपको धरने पर फिलहाल बैठे हुए हैं महेश नेगी, बीजेपी विधायक हैं जो कि फिलहाल धरना दे रहे हैं। तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ऑफिस के अंदर ये देख सकते हैं आप धरने पर बैठे हुए हैं। खुद अकेले इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं, पीडब्ल्यू ऑफिस के अंदर वो गए हैं और वहीं पर धरना वो दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, एक ऑफिसर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जैसा कि इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। और क्या कुछ कारण है धरने पर बैठने का ये भी आगे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले ये तस्वीरें देखिएगा किस तरीके से ऑफिस में ही धरना दे रहे हैं महेश नेगी। बीजेपी विधायक हैं, पीडब्ल्यू का ऑफिस है जिसके अंदर वो जाकर खुद अकेले ही यहां पर धरने पर बैठे, उनके साथ फिलहाल कोई और नजर नहीं आ रहा है। एक ऑफिसर यहां पर जरूर नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में जैसा कि हम देख सकते हैं। महेश नेगी धरने पर बैठे हुए हैं, पीडब्ल्यू ऑफिस के अंदर यहां पर धरने पर बैठे हैं महेश नेगी। तो देहरादून से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक महेश नेगी जो हैं धरने पर बैठ गए हैं, पीडब्ल्यू ऑफिस के अंदर ही वो धरने पर बैठे हुए। हालांकि जो ऑफिसर हैं वो भी बैठे हुए हैं, कुछ कहते हुए भी यहां पर ऑफिसर को नजर आ रहे हैं इशारों से जैसा कि दिख रहा है उनके हाथ के। तो बता दें आपको पीडब्ल्यू ऑफिस के अंदर यहां पर धरने पर बैठे, हम इंजीनियर हैं और हम सबसे बड़े आदमी हैं यहाँ, जो हम कहेंगे वो होगा करके लिख के दे दीजिए, हम उसमें एग्री है बिल्कुल। तो बता दें आपको लोक निर्माण विभाग के दफ्तर के अंदर धरने पर बैठे हुए हैं। हम इंजीनियर हैं और हम, तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहाँ पर महेश नेगी जो है फिलहाल धरना दे रहे हैं। मुझे कुछ और देखते हैं जहाँ पर महेश नेगी जो है फिलहाल धरना दे रहे हैं। मुझे कुछ और देहरादून की ये तस्वीरें हैं, क्या कारण यहाँ पर है जिस वजह से यहाँ पर हम सबसे बड़े आदमी हैं, जो विधायक हैं वो बैठे हुए हैं, क्या वो वजह है जिसके वजह से वो धरना फिलहाल दे रहे हैं, ये आगे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरें फिलहाल साफ दर्शा रही हैं कि धरने पर बैठे हुए हैं महेश नेगी और लोक निर्माण विभाग का दफ्तर है जहाँ पर वो फिलहाल धरना दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक ऑफिसर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और फिलहाल देहरादून से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देहरादून की ये तस्वीरें हैं, बीजेपी विधायक धरना दे रहे हैं। हालांकि उनके साथ कोई और नजर नहीं आ रहा, खुद वो यहाँ पर ऑफिस में मौजूद हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। जो हम कहेंगे वो होगा करके लिख के दे दीजिए, हम उसमें एग्री है बिल्कुल एकदम। मुझे कुछ नहीं बोलना है कि मुख्यमंत्री जो लिख रहे हैं हम इनकी बातों को कुछ नहीं मानते हैं। हम इंजीनियर हैं और हम सबसे बड़े आदमी हैं यहाँ, जो हम कहेंगे वो होगा करके लिख के दे दीजिए, हम उसमें एग्री है बिल्कुल एकदम। मुझे कुछ नहीं बोलना है उसके बाद कि मुख्यमंत्री जो लिख रहे हैं हम इनकी बातों को कुछ नहीं मानते हैं। हम इंजीनियर हैं और हम सबसे बड़े आदमी हैं यहाँ, जो हम कहेंगे वो होगा करके लिख के दे दीजिए, हम उसमें एग्री है बिल्कुल एकदम। मुझे कुछ नहीं बोलना है उसके बाद कि मुख्यमंत्री जो लिख रहे हैं हम इनकी बातों को कुछ नहीं मानते हैं। हम इंजीनियर हैं और हम सबसे बड़े आदमी हैं यहाँ, जो हम कहेंगे वो होगा करके लिख के दे दीजिए, हम उसमें एग्री है बिल्कुल एकदम। मुझे कुछ, तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है महेश नेगी की तरफ से कि आप ये लिखकर दे दीजिए कि हम विधायकों की सुनते नहीं हैं, हम इंजीनियर्स हैं, सबसे बड़े ऑफिसर्स हम हैं और हम अपने मन की करेंगे, आप लिख के दे दीजिए उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर जिस तरीके की मनमुटाव की स्थितियां कई बार विधायक और डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स में देखने को मिलती है, कुछ उसी तरीके का मामला फिलहाल ये प्रतीत हो रहा है महेश नेगी की बातों से। वो कह रहे हैं कि आप लिखकर दे दीजिए कि हम इंजीनियर हैं, हम अपनी मर्जी का करते हैं, बाकियों की नहीं सुनते हैं, आप लिख के दे दीजिए तो यहाँ से चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो ऑफिसर्स को लेके शायद महेश नेगी को है, कुछ काम की वजह से ये नाराजगी यहाँ पर जरूर नजर आ रही है जैसा कि उनकी बातों से फिलहाल ये प्रतीत हो रहा है और इसी को लेकर वो धरने पर फिलहाल यहाँ पर बैठे हुए हैं जैसा कि आप इन तस्वीरों में सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। हम कहेंगे वो होगा करके लिख के दे दीजिए, हम उसमें एग्री है बिल्कुल एकदम। मुझे कुछ नहीं बोलना है उसके बाद कि मुख्यमंत्री जो लिख रहे हैं हम इनकी बातों को कुछ नहीं मानते हैं। हम इंजीनियर हैं और हम सबसे बड़े आदमी हैं यहाँ, जो हम कहेंगे वो होगा करके लिख के दे दीजिए, हम उसमें एग्री है बिल्कुल एकदम। मुझे कुछ नहीं बोलना है उसके बाद कि मुख्यमंत्री जो लिख रहे हैं हम इनकी बातों को कुछ नहीं मानते हैं। हम इंजीनियर हैं और हम सबसे बड़े आदमी हैं यहाँ, जो हम कहेंगे वो होगा करके लिख के दे दीजिए, हम उसमें एग्री है बिल्कुल एकदम।
मुझे कुछ नहीं बोलना है उसके कि मुख्यमंत्री जो लिख रहे हैं हम इनकी बातों को कुछ नहीं मानते हैं, हम इंजीनियर हैं और हम सबसे बड़े आदमी हैं यहाँ, जो हम कहेंगे वो होगा करके लिख के दे दीजिए, हम उसमें एग्री है बिल्कुल एकदम।